चल ब्रेंस। ओए गिर गया गिर गया। डिस्कस गॉट दी क्या डिस्कस। अब तुम हमें देखोगे। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी ऑलमोस्ट 12:30 बज चुके हैं। अभी मैं कल वाला ब्लॉग एडिट कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो या युष्रा देखो मेरी बुराई कर रही है आपके सामने। ऐसे देखो गाइस कमेंट्स में बताना युष्रा मेरे कपड़ों में अच्छी लगती है ना। दिखाना टी शर्ट देखो कितनी खुश हो रही। हटा इसे हटाओ हटाओ तो इसे। देखो मेरी टी शर्ट पहन के इतनी अच्छी लग रही है। और जो मैंने दिया हुआ गिफ्ट युष्रा तो वो अलग ही चमक रहा है। लोकेट वो देखो दिखा भी दे रही है। यहाँ पर ताऊ दूध पिला रहे हैं। ताऊ की हालत ताऊ ने डीप नेक पहना हुआ कार्टून है मेरे देखो। ओ हचली फैंस लाइट्स इन्हें देख के खुश हो रहे हैं। इन्हें देख देख के हंसी रहे भाई। एक बात तो बता तू कर तो रहा पैकिंग। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि हम कल चलेंगे। अब भाई थोड़ा तो प्लान भी चेंज कर हम ये सोच रहे हैं कि कल हम सुबह निकल जाएंगे सहारनपुर के लिए। क्योंकि अभी 2 बज चुके हैं। फिर वो पूरा दिन सफर में निकल जाता है। तुम आज एक काम करते हैं थोड़ा सा गुड़गांव में भी घूम लेते हैं। आज चल जाएंगे नहीं चल जाएंगे ट्यूशन मेरी 4 बजे। 4 बजे से तो बहुत पहले 2 बजे से पहले पहुंचा दो। ठीक है मैं बता रहा हूँ सुन तले हम सुबह निकल जाएंगे 7 बजे और 11 बजे पहुंच जाएंगे। सब उठ जाएंगे 6-7 भाई 7 बजे का लेके चलेंगे तो मैक्सिमम 8 बजे भी निकलेंगे तब भी 12 बजे पहुंच जाएंगे। मैं क्योंकि गुड़गांव यार बहुत दिनों बाद आया। मुझे गुड़गांव बहुत पसंद है और मुझे गुड़गांव की बहुत याद भी आ रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा और एक जगह है जहाँ पर मजा आता है पूरा वो कूदने वाले वहाँ पर। तो फिर तो ठीक है अब तो ठीक है। तो भैया का कुछ हो सीन। हालत देखो क्या यार ये वाले जो गद्दे है ना इन पे ये वाली चादर ना टिकती नहीं खिसक जाती है। ठीक है भाई फिर कल सुबह निकल जाएंगे। नोएडा चलेंगे। लेकिन वहाँ एक लड़के ने छेड़ दिया था ना उसकी लड़ाई हो गई थी। तुम्हें किसने छेड़ तो रहा था वो किसी और को। अच्छा वो रुखसार को वो थी वहाँ सार उनसे लगा मुझे कुछ कह रहा हो। मैं साथ ही बैठी थी सारनपुर में मेले में। फिर आखिरी बार था मेले में जाने का सीन। भाई एक नोएडा में एक जगह है उसमें झूले इतने खतरनाक इतने बेहतरीन झूले मतलब वैसे वोटर वाले वोटर वाले नहीं वोटर वाले भी है लेकिन वो बंद होगा। इतने खतरनाक झूले मजा आ जाए पूरा। भाई अभी हम आ गए हैं पूल खेलने और परसों तो भाई को हराया था परस 2-1 से। भैया हेलो चौक मिल जाएगी चौक भिजवा दीजिए। चलो ऐसा लगा क्या लगता है प्रिंस कौन जीतेगा तेरे हिसाब से हैं? अभिषेक भाई पे लगा रहा तुम्हें भाई से दगाबाजी कर रहा कोई बात नहीं भाई बड़ा खेलते क्या लगा वाइट बोली लगा दी तो ये देगी 100% कुछ आएगा। ओ माय गॉड साजन कैसे सर। अरे बढ़िया सर आप बताइए चोग है चोग रिटर्न आएगी मेरे पास नीचे आई नहीं हम यही छोड़ के गए थे और दूसरी नहीं है देख पूछा तीस ने कैमरे की है फाउल। ओ भाई थोड़ा बहुत तेज चीटी चीटी से काट रहे दर्द की यहाँ पे कहाँ पे ये चीज होती है दर्द ये पूरा ये भाई देख लो ये शर्म लग रहा मेरा ना पेट है। हाँ तो तुम ये ऐसे पहने करो ना कपड़े वो भी पहन लूंगी बेल्ट मंगा लूंगी उससे अंदर चल जाएगा थोड़ी जिम कर लूंगी फिर। ओहो जिम को प्लान कर रही है कह रही कि तुम जाओ ना जाओ मैं जरूर जाऊंगी जिम में बात तो अच्छी लग रही है तुम इधर पेट अंदर करोगे ऐसे सांस अंदर का पहले हमारे जाने का प्लान था कि वाव हम जाने का सोच रहे थे नोएडा। अभी मैंने गूगल पे सर्च किया तो देखा क्या वो बंद था। अच्छा हम नहीं गए अम्यूजमेंट पार्क वाव। सो अभी यहाँ पर एक स्काई जंपर करके कुछ है फाउंटेन भी चल रहा है। बच्चे देखो सब छोटे छोटे से लग रहे हैं। यहाँ पर देखिए यार कितनी भी गंदी ला के खड़ी करो सुबह को साफ सुथरी मिलेगी। और एक चीज दिखाऊंगा रुक जाओ कैसा लग रहा है ये चीज बहुत हैवी तुमने बता दिया ये चीज देखो ये यहाँ ये तो हल्की लग रही है ये सख्त सी लग रही टाइट सी यहाँ कैसे भाई फुल कर दो पेट्रोल है पेट्रोल है पेट्रोल पेटीएम तो ले लोगे ना। आज क्या पहनाया तुमने वो ये मेरे गुड़िया ने फ्रॉक पहनी हुई आज बोले बस इसे इसके ऊपर उल्टा है क्या आई थिंक उल्टा पहना दिया तुमने चलो आओ चले। जब हमारी शादी हुई थी ना तो सबसे पहले हमारा जो फ्लैट था वो इसके बिल्कुल पास में था हमारे घर से फ्लैट से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। स्काई जंपर छी छी वेलकम्स यू टू स्काई जंपर। तो भाई यहाँ पर है 450 रुपये 30 मिनट और 700 रुपये में 60 मिनट 1 घंटे वाला सही है ना। एक घंटे मतलब सैटरडे संडे 600 रुपये का है फ्राइडे शायद और बाकी दिन जैसे आज मंडे है तो 450 का।
क्या कर रहे हो आप? ये इसमें ये करना पड़ता है, पहले क्या करना पड़ता है? पंक्चर करना पड़ता है अंदर जाने के लिए। आप थोड़ा तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही ठीक से। भाई ये फॉर्म फिल करना पड़ता है अंदर जाने के लिए। अच्छा, लिख सामने क्या है? पेस्ट्री बहुत है ये वाली, ये वाली नीचे वाली। तो गाइस टिकट कट चुकी है और अब चल रहे हैं हम अंदर। ये शूज पहन के भी जा सकते हैं, ऊपर तो जा सकते हैं शूज पहन के। गाइस अभी यूसुरा जो है ऊपर रहेगी, जो ऊपर रहेगी क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी को अलाउड नहीं है, तो ये ऊपर ऊपर ही रहेगी। तो गाइस ये अलग से यहाँ पर सॉक्स मिली है, उनको पहन कर ही जाना है। आज होगी एक्सरसाइज अच्छी वाली। बस तुम्हारे बिना दिल नहीं कर रहा हमारा, इसलिए हम। किसने बताया तुमको? 5 मिनट अभिषेक, बहुत खबरी हो रहा है अब तुम हमें देखोगे। कर लोगे बस बीच में ही गिरोगे। भागे 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 जा। इसको पार करना है, तुम कर लो। अच्छा चल आ जा। चल फ्रेंड्स, ओए गिर गया गिर गया। डिस्किस गॉट दी, क्या डिस्किस गॉट? ओए नहीं आदि कुछ भाई, कास्ट 24 में होता है हमारा रिचुअल। ऊपर नीचे आगे पीछे सब चुप। ओहो गाइस, एक नंबर जगह है, पूरा मजा आ गया। तो लगा जैसे बचपन में खेल रहे हैं ना हम, लेकिन वैसे ही और उतनी एनर्जी लगी, और उतना जितना बचपन में थक जाते थे खेल के उतना ही थक गए, लेकिन मजा आ गया। बहुत दिनों बाद ऐसा खेल रहा हूँ, एक नंबर, दिल खुश हो गया। देखो कैसी हालत हो रही है जी, ये देखो कैसा गिरा भाई, बहुत गंदा गिरा इन्हें तोड़ दिया। कैसा लगा भाई साइन? मजा आ गया। सो गाइस फाइनली अभी हम आ गए हैं अंदर से बाहर, और भाई आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत दिनों बाद इतना मज़े किए हमने। बच्चों जैसे गेम्स है, जैसे खेल कूद, और ये अभी तक लगा हुआ है मेरे, इसको कर देता हूँ पहले। लेकिन अगर आप गुड़गांव में ना भाई, यहाँ तो वैसे आप आए भी होंगे, अगर गुड़गांव से तो आपको आए भी होंगे यहाँ पर ज़रूर, लेकिन नहीं आएंगे तो आपको ज़रूर आना चाहिए। अगर दिल्ली से भी है तो तब भी आना चाहिए। प्राइस थोड़े से ज़्यादा है, बट फिर भी वर्थ है, क्योंकि आजकल हमें यहाँ पर ऐसा कुछ खेलने को नहीं मिलता अपनी डेली लाइफ में। खेल तो लिए हैं, अब चलते हैं कुछ खाना खाने, क्योंकि खेलने के बाद भाई बहुत भूख लगती है, ऐसे बचपन में खेलने के बाद भूख लगती है ना, सेम वही सीन है। तो भाई अभी हम आए हैं लक्की 9 फैमिली रेस्टोरेंट। अच्छा अच्छा, हाँ अभी आएंगे हम कुल्फी खाने आपकी, ठीक है, सब मिलता है वैसे।
वो ना गिल्ली थी सीट, उसमें बैठी तुम। यार कुल्फी खाओगे क्या? गिर गया, क्या होगा? कौन सी खाओगे? भैया बैठो मैडम, आराम से दो कुल्फी लगा दो। बढ़िया, ना ना ये नहीं, नॉर्मल कुल्फी। एक वो आती है बादाम दूध की बोतल, दूध की बोतल बादाम वाली है आपके पास? दिखाना एक बार, ये वाली है। एक बार एक लेके देख ले, एक ये देना भाई को, टेस्ट कराओ। क्या अच्छी नहीं लगी? मैंने भी रख ले लो। भैया भी ने रास्ते में कार में बहुत हंगामे के, बहुत रो रही थी, और जैसे मेरे गोद में आती है एकदम चुप, एकदम साइलेंट। और इसको पापा की याद आती है कि पापा कहाँ चले जाते हो आप? ए, पापा ड्राइव कर रहे थे तब, आपके पास आ नहीं सकते। अब आ गए पापा, अब कुछ कुछ आप कुछ पापा मेरे पास आ करो, ये कह रहे आप पापा मेरे पास आ करो, आप पास ही रहा करो। पापा से नजर ही नहीं है ट्री में। पापा कहने देना, पापा छोड़ के आपको छोड़ के ड्राइव करने चले जाते हैं, गंदे है ना पापा? बहुत पोपो करती है। देखो मेरे से नजर ही नहीं है, पारा कर दो पापा को, पापा को पारा ब्लॉक में, ब्लॉक का एंड कर दो, बाय बाय कर दो सबको, ब्लॉक कर दो। क्या जी क्या कार ले ली? बाय बाय कर दो, कार ले ली या भाई? बाय बाय कर दो, कल करूँगी आज और।